उसी से जिससे इसका नाम ही जो है ब्रेन एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, तो ये बहुत जरूरी है कि ब्रेन जो है कैसे बॉडी को सिग्नल्स भेज रहा है और बॉडी का जो हमारे ब्रेन का जो सेंसरी सिस्टम है जो जिसे वो सेंसर करके बताते हैं कि हमारी इस जगह में जो है वो टच किया गया, जो हमारी जो सेंसेस है ब्रेन के साथ बॉडी के साथ कैसे कनेक्टेड है। लेकिन जब बच्चे को थोड़ा सा मैंने बताया कि वेट करें, इसको फोकस करें, उसमें थोड़ा सा फोकस किया जो है उसने स्कोर कर लिया, इसी तरीके से किया फोकसिंग जो है बच्चे का जो है वो डेवलप कर सकते हैं। ये देखिए जी, बच्चे की एनालिटिकल स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग की जो हैबिट है वो इससे जो है वो डेवलप हो रही है, आप देख सकते हैं। बेनिफिट्स की जब बात हम करते हैं तो अगर आपने गौर किया हो तो एक उनकी पूरा फोकस है और ये फोकसिंग की बहुत अच्छी एक्टिविटी है और इसी के साथ इसको हम रिलेट करते हैं हमारी कोऑर्डिनेशन के साथ, क्या हमने लिखा होगा हैंड और उसके बाद आई कोऑर्डिनेशन है उस। Excellent, excellent. Thank you.